राजू बना अपने आपको भाई समझ रहा है? तो इसे छूट नहीं पाएगा, इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। अरे बाप रे, सुन सुन सुन, जल्दी चल जाने दे, इस एरिया में दोबारा दिखना मत। चल यार, मत चल, बच्चे का अरे छोड़ उसको। छोटा सा पेट दर्द था सर, बस चेकअप करवा कर कल ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा सर। फोन यहाँ दीजिए, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना। ठीक है, तो फिर मैं रिजाइन कर देता हूँ। ठीक है ना, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो अपना ख्याल रखिए या फिर माँ को डिवोर्स दे दीजिए। ये तो तुमने सही कहा। किस भगवान का है? शिरडी का है जी। रात को शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कृष्णमूर्ति नाम के कांस्टेबल पेट दर्द की वजह से भर्ती हुए, लेकिन ट्रीटमेंट करते समय डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी ऑपरेशन थिएटर में मृत्यु हो गई। इस लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है और जाँच में। कैसे हो? आपकी दया है भाई, दामोदर सर ने कहा था ना, वो यही है। नमस्ते सर। रवि तुम जरा बाहर जाओ। जी भाई। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ सर। सीधी तरह बोलिए, बात क्या है? सर, मरने से पहले मेरे पिताजी ने पूरी जायदाद मेरे और मेरे भाई के बीच आधी आधी बांट दी सर। मैंने अपने हिस्से की सारी जायदाद अपने फ्रेंड के भरोसे बिजनेस में लगाया, लेकिन घाटे में चला गया हूँ सर। पूरी जायदाद तो खो ही चुका हूँ सर, पे गांव वालों का कर्जा भी हो गया है। हमारा एक पुश्तैनी घर है सर, अगर हम उसे बेच देंगे तो मैं सारा कर्जा उतार दूंगा सर, मगर मेरा भाई मुझे वो बेचने नहीं दे रहा है सर। कहना क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं रहा। एक पैसा नहीं मिलेगा। मैंने वो घर बेचकर कर्जा नहीं चुकाया तो मेरे पास अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। मेरे भाई में थोड़ी सी भी दया माया नहीं है सर, मुझे और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है सर। बैग में कितने पैसे हैं? आपके कहे मुताबिक इसमें 10 लाख रुपए सर। ध्यान रखिएगा सर, मेरा नाम बाहर ना आने पाए। सर, उसको खत्म कर दिया ना? अभी तक तो नहीं, आज रात का मुहूर्त है। आप अपना फैसला तो नहीं बदलोगे ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला लिया है ना? हाँ सर। किसी तरह का डाउट नहीं है ना? नहीं है सर। आपके भाई को मार दूँ?
देर क्यों कर रहे हैं सर? उसे मार दीजिए अक्का। ठीक है, काम होने के बाद फोन करता हूँ। ठीक है सर। सर जी, आपके छोटे भाई ने आपको मारने के लिए 10 लाख रुपए दिए। आप 50 लाख रुपए दे दो, मैं उसे मार देता हूँ। हेलो, कौन? हेलो सर, मैं गंगावरम से बोल रहा हूँ। वो गजबुआ वाला बालू है ना, उसे देने वाले पैसे अगर शाम तक तुमने नहीं लौटाए ना, तो सुन ले, तेरे घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं दोबारा वो गजबुआ का बालू अपने आदमी से फोन करवा कर मुझे धमकी दे रहा है सर, कल शाम तक पैसे नहीं दिए तो जान से मार देगा कह रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, वो बालू जरा खतरनाक आदमी है, आप किसी तरह से मुझे बचा लीजिए सर। आप एक काम कीजिए। हाँ सर। आप अपनी फैमिली के साथ सप्तगिरी लॉज में चले जाइए। ठीक है सर। सेफ्टी के लिए मैं अपने आदमियों को वहाँ भेजता हूँ। निकाल। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है भाई। ये लीजिए, खाना खा के रिलैक्स हो जाइए, मैं बाहर ही हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। ठीक है? ठीक है। राजकुमार नाम के एक बिजनेसमैन ने कर्जे की वजह से अपने खाने में जहर मिलाकर कल रात को द्वारका नगर के सत्यगिरी लॉज में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। पुलिस केस की छानबीन में लगी हुई है। सर ये 25 लाख। 25 लाख, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी। आपके छोटे भाई ने कहा था आपको मार दिया होता तो यह 7 करोड़ की प्रॉपर्टी उसे मिलती। यह 25 लाख आप ही रख लीजिए, इसके बदले में हम इस प्रॉपर्टी को आपस में बांट लेंगे। सब लोग एविडेंस छोड़े बिना गलत काम करते हैं, लेकिन मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं कोई भी काम एविडेंस के बिना नहीं करता। जेल तो मेरे लिए मेरा घर है, और आपके लिए, आपने अपने भाई को मरवा दिया है, ये क्या किया आपने? अरे यार, ये प्रॉपर्टी खरीदोगे क्या? इसमें बहुत गड़बड़ है, ये अपने को नहीं जमेगा। तो फिर दूसरी खरीद लो। अरे ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अरे तो क्या हुआ, कोशिश हाँ। करेंगे तो सब कुछ खरीद सकते हाँ। हैं, सिर्फ भरोसा रहना चाहिए, सब मिलेगा हाँ, लाखों लाख रुपया कमाएंगे हाँ। कार बंगला लेकर हम लोग सेटल हो जाएंगे। क्या है बेटा, लाख लाख क्या बक रहे हो तुम लोग? शमशान में सेटल होने का समय है, लाइफ में नहीं। तुम सब की चाय में एक एक चम्मच शुगर डाल दिया जाए तो यहीं सेटल हो जाओगे। निकल लो। ग्लास रख के जाओ, चल जल्दी रख। ठीक है बेटा। चल रख। धीरे धीरे, क्या जा रहा है, भाग यहाँ से। ठीक है बेटा, जाते हैं। क्या है बेटा, देखने में वो तुम्हारे बाप की तरह दिखता है और तुम हो कि उतनी बेइज्जती से उसे बात कर रहे हो। मेरे बाप के जैसा नहीं सर, बाप ही है मेरा, 30 साल से देख रहा हूँ सर, घर और चाय की दुकान के सिवा कुछ नहीं आता है इसे, अभी भी लाइफ सेटल की बात करता है। अगर पहले ही लाइफ सेटल किया होता तो हमारा ये हाल नहीं होता सर। सर ये लोग यहाँ चाय पीने नहीं आते, आंटी को घूरने आते हैं। फालतू महेश, क्या हुआ तुझे? अपने सूर्या को वहाँ मार्केट में कोई मार रहा है। कौन मार रहा है उसे? अरे कोई रोको उसे, प्लीज रोको उसे, छोड़ो ना।
अपने आपको भाई समझ रहा है? तो इससे छूट नहीं पाएगा, इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। अरे छोड़ उसे, जाने दे, छोड़ उसे, अरे ये छोड़ देगा, क्या कर रहे हो? छोड़, छोड़ उसे यार, छोड़ दे इसे, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ेगा तो मर जाएगा। अरे बाप रे, सुन सुन सुन, जल्दी चल, जाने दे, इस एरिया में दोबारा दिखना मत, चल यार, मत जाने, बच्चे का, अरे छोड़ उसको। लेकिन प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम हाथ उठाने से पहले पूछना चाहिए था। तेरे पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं चुप रहूंगा क्या? ए तू चुप कर, मौका मिला तो बस लड़ते रहता है। मेरे चाचा है ना, इन्होंने ब्याज पर इसे 3 लाख रुपए कर्जा लिया था। अभी तक तो ब्याज ही 8 लाख रुपए भर चुके हैं और 2 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। तो वो आकर घर को अपने नाम पर करवाने की धमकी दे रहा था। तुम अपना घर मेरे नाम पे लिख दो, ला कागज दे रहे। बस यही घर ही तो रह गया, दया कीजिए मालिक। इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। आपको सर बुला रहे। चाचा चलिए, सर बुला रहे हैं। सुन मैं भी आता हूँ, तू यहीं पे रुक, मैं जाके आता हूँ। अरे आता हूँ ना, तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, प्लीज। मैं उनसे बात करता हूँ, थोड़ा शांत रहे। आइए चाचा। इसका बाप मरने से पहले इसी पुलिस स्टेशन में था, बहुत अच्छा आदमी था। बैठिए चाचा। नमस्ते, नमस्ते। बैठिए। नमस्ते सर। देखो सूर्या, कानून के हिसाब से तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हारे पिताजी को जानता था इसलिए छोड़ रहा हूँ। क्या हुआ अंदर? प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, उसे ब्याज नहीं चाहिए ऐसा लिख कर दिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे क्या? ए, मैं क्या कर सकता हूँ? चाचा बोल रहे कि झगड़ा नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए, तुझे नहीं चाहिए। अरे बड़े लोग हैं यार, अपने को क्या करना है? साइड से किसी से डरने की कोशिश कर यार, जरा चुप रह। ऐसे लोगों को अंदर डालकर इनकी धुलाई करनी चाहिए, तब ये समझेंगे। चुप करना यार, क्या कर रहा है? पट्टी उस तरफ क्यों लगा रहे हैं? हड्डी तो इस तरफ टूटी है ना, कहीं एक्सरे में उल्टा तो नहीं देख रहा हूं। अच्छा, उसने आपके चेहरे पर मारा तो यहाँ की हड्डी कैसे टूटी? उसने तो चेहरे पे ही मारा है, लेकिन उसके साथ आया था ना उसका फ्रेंड, उसने पकड़ लिया था, बहुत जोर से पकड़ा था। ओहो, अच्छा हुआ कि उसने ऊपर पकड़ा साहब, नीचे पकड़ लेता तो पट्टी भी लगाने के लायक नहीं रह जाते। मतलब उसकी पकड़ ही ऐसी। अगर हम उससे ब्याज का पैसा वसूलते तो बात कुछ और थी। अभी उससे बदला लेने के समय उसे 2 गुना ज्यादा रुबाब दिखाना होगा। ये यहाँ क्यों आया है? आपकी दूसरे साइड की हड्डी बची है ना? किससे मिलना है तुम्हें? मुझे सर से मिलना है। भाई आप ही बात करो इससे, मैं सामने रहूंगा तो जान से भी मार सकता हूँ। सही बात है भाई, सेफ्टी बहुत जरूरी है भाई। ठीक है भाई, मैं जरा बाहर से आता हूँ। भाई आप निकल लो, मतलब बाहर जाते हैं भाई। मैं जाऊंगा तो तू मेरी कुर्सी पे बैठेगा? अरे भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। भाई नमस्ते सर। क्या बात है, यहाँ किस लिए आए हो? सर सॉरी सर, मेरा फ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है इसलिए उसने झगड़ा किया। वो गुस्सा करता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सर आपको जो पैसे देने थे वो पूरे ब्याज के साथ इसमें हैं। ये लो, रख दो इसे। ये मेरे पिताजी का रिटायरमेंट का पैसा है, मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो सॉरी सर। ये सब दिल में रखकर मेरे दोस्त को कुछ मत करिएगा प्लीज सर। अगर तुम्हारी ही तरह तुम्हारे फ्रेंड का दिल होता ना तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जाओ। आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा। जा रहा भाई।
सॉरी भाई, कब से देख रहा हूँ आप मुझ पर बहुत गुस्सा है। मुझसे और मेरे दोस्त से अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दो ना भाई, प्लीज भाई। ठीक है ठीक है, छोड़ दिया, माफ कर दिया भाई। जा तो दोस्ती में एक हग हो जाए। तू ही रुक, तू ही रुक, तू ही रुक, बात बताना, चल जा, आउट, गेट आउट, गेट आउट। वो गया क्या? मेरा तोड़ दिया भाई। ठीक है भाई, थैंक्स भाई, कम से कम आपने तो हग दिया, अब मेरा दिल शांत हो गया, मैं चलता हूँ भाई। मैं भी गया भाई। सेम प्लेस, सेम प्लेस। तेरे फ्रेंड ने उस गुंडे की पुलिस कंप्लेंट करने के लिए तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया तो तू उसके साथ फौरन चला जाएगा क्या? मैंने कितनी बार कहा है उसके पीछे मत घुमा कर। बाप रे, सुबह सुबह क्या परेशानी है माँ? मैं उसे इतना याद नहीं करता, लेकिन तुम उसे रोज याद करती हो। अरे उसने कौन सी इतनी बड़ी गलती की है? हाँ? क्या गलती है तुझे नहीं पता? तेरी बहन को स्कूल में उसने लव लेटर दिया था, पता है ना? हाँ हाँ दिया था, पता है। तो तुमने भी क्या किया जानता हूँ? तुमने उसकी पूरी फैमिली को रोड पे लाके उनका कचरा किया। तुम्हारी बेटी की ही गलती है, उसके प्रपोज करते ही नो बोल देती तो वो कुछ नहीं करता। लेकिन मेरा फ्रेंड बनने के बाद उसने तुमसे सॉरी कहा कि नहीं? हाँ, बोला बोला, शनि है वो। तेरी बहन को छोड़ दिया तो तुझे चिपक गया। उससे दोस्ती करने से पहले तू कितनी अच्छी पढ़ाई करता था, अब तू बिल्कुल बिगड़ गया है। अब डेली बियर भी पीता है, देखो अब कैसे निठल्ला बैठा है। हेलो, क्या कमी है मुझमें? मैं भी तो नौकरी पर जा ही रहा हूँ। हाँ, खाना पकाने के लिए। माँ, अब तेरे मेरे बीच में झगड़ा हो जाएगा। मैं जो काम करता हूँ ना, वो खाना पकाने का काम नहीं, कैटरिंग है। व्हाट आई मीन बाय द कैटरिंग इज मामा। चुप कर, तू उसके साथ घूमेगा तो जरूर कुछ बुरा होने वाला है, मुझे पता है। मेरा भी सुकुमार फिल्म के हीरो की तरह एक बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से सब अच्छा होगा, ऐसा मेरा सिक्स सेंस कहता है। अच्छा शगुन है। ए, तेरी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हो गई है ना? तो फिर अब तू कॉलेज कौन सी पढ़ाई करने के लिए जा रही है? बुआ, अभी तक तो मैंने सिर्फ MBBS किया है। इसमें बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, पैर दर्द के लिए इंजेक्शन देना, गोलियां देना, बस इतना ही होता है। मगर अब मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ वो है MS इन कार्डियोलॉजी। उसका मतलब? मतलब समझिए, सडनली आपको हार्ट अटैक आ गया हो, तब आपकी छाती को काट कर आपके दिल को बाहर निकालकर उसको ऑपरेशन करना। पूछकर ही गलती की मैंने। चला फोन रख। बाय माँ। ए, दोपहर को लंच टाइम में बुआ को फोन करना मत भूलना। मेरी बात हो गई है बुआ से। 500 रुपया देना। एक दिन का 100 रुपये ब्याज। एक दिन का 100 रुपया ब्याज? पिछले हफ्ते तो 50 लिया था ना। पहली तारीख का अलग ब्याज, 15 तारीख के बाद अलग ब्याज, मंथ एंडिंग में अलग ब्याज। चाहिए कि नहीं चाहिए? सब मिलाकर पूरा हो गया 1200 रुपया। चल ठीक है, दे दे। इस महीने में 31st है, 400 ब्याज है, ले लो बाय। 500 के लिए 400 रुपया ब्याज लगाएगी, पूरी जायदाद ही ले लेगी। तेरे नाम पर जायदाद है क्या? क्यों मैडम, उस दिन तो कहा था कि पसंद नहीं है। तब तुम कौन हो, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, ये कुछ भी मुझे पता नहीं था, इसलिए। देखो अनु, अगर हमने प्यार किया तो मेरी फ्रेंडशिप की इंसल्ट हो जाएगी, और अनु मेरे लिए फ्रेंडशिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अनु समझा करो, ये वर्कआउट नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा मैं संभाल लूंगी। अभी अगर तुमने मुझे मना कर दिया तो तुमने फिर से मुझे प्रपोज किया है कहकर तुम्हारी फ्रेंडशिप ही तोड़वा दूंगी। I love you. जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मुझे गिल्टी फील होता है। मैं तुम्हारे भाई को बोल दूंगा। हे भैया के पेट में कुछ नहीं पचता, हमारे बताते ही वो माँ को बता देगा। भैया तो हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन माँ के बारे में सोचती हूँ तो टेंशन होता है। अरे आज सुबह तुम्हारे नाम से मुझे डांट रही थी। हे अनु, तुम अपने भाई को अच्छे से जानती नहीं हो। अगर हमारे प्यार के बारे में उसे किसी और से पता चल गया ना, तो सबसे पहले वो हमारा दुश्मन बनेगा और तब तुम पछताओगी। तो बोलो अब क्या करना है। अगर तुम प्रॉब्लम नहीं चाहती हो तो एक काम करो, अपने भाई को सब बता दो, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। ठीक है, 10 दिन रुक जाओ, मैं बता देती हूँ। संभल कर जाना, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे यार कहाँ है तू? बस ऑन द वे हूँ यार, 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। बाय यार। ए संभाल के। आपको सिर्फ इडली मिलेगा। और दूल्हे भैया? हाँ। शादी कब है तुम्हारी? 31st को। क्यों भाई, कब है शादी? 31st को है। कांग्रेट्स यार। ये कार्ड देकर फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है? इसे दे दिया ना, हम सब आना ही पड़ेगा, भूलना मत। हाँ, अब अगर पीनी है तो आना ही पड़ेगा, कोई बहाना भी नहीं है। ठीक है, अपना ब्रांड लेकर आ जाना। हाँ, बैंड बाजा भी लेकर हम ही आ जाएंगे। दूंगा ना। नोट कर,
शादी भी नहीं होने दूंगा मैं, बोल दूंगा तीन चार लड़कियों से चक्कर है इसके। चल एक एक विस्की फुल। क्या फुल? तेरी शादी है बे। एक वोट का फुल। रमेश है? मेरे लिए मंगवाना एक 90। 90 से क्या होगा, इनके लिए हाफ लिख। दो फुल बॉटल। और मेरे लिए एक सोडा लिख। सोडा ठीक है सोडा। फुल तीन बियर। अबे तेरे लिए ढक्कन ही बहुत है, तीन पिएगा। चुप रहे, मेरे लिए ठर्रा लिख ले, संतरा अंगूर दोनों चल जाएगा यार। अरे एक बार में सबका डिसाइड कर लो ना, हमें 11 बजे तक वहां पहुंचना है। चलो अब जल्दी। ओके भाई हम चलते हैं। ओके है ना। सॉरी ब्रदर, मैंने आपको फॉर्मेलिटीज के लिए ही बुलाया है, आप वही ऑर्डर ले लो। थैंक यू सर। कहां तक पढ़ाई की है? MBA सर। इतनी पढ़ाई के बाद कैटरिंग का काम क्यों? ऐसा कुछ नहीं है सर, तीन बैंक का लोन बचा है, लास्ट सेमेस्टर दो सब्जेक्ट क्लियर किए हैं, अभी एक सब्जेक्ट बैलेंस है, मंडे को एग्जाम है सर। ओ, कौन सा सब्जेक्ट? रिसोर्स मैनेजमेंट। खजानन भूतगनादि शिवित कपिलत चंपु फल चारु भक्षणम माशुक शोक विनाशक रकम नामे विघ्नेश पंकजम अक्रतुंड सुकृति समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वदीद सर्वकार्येषु सर्वदा अक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वदीद सर्वकार्येषु। क्यों बेटी, पूजा हो गई? हाँ हो गई सर। इस गणेश जी को अब मैं टेबल पे रख दूँ? हाँ हाँ सर। यहाँ विराजिए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पीछे हटो, अपनी जगह पे जा। तुम थोड़ा इधर लिखो बेटी। हाँ तुम लिखो। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, मेरी आंखों में CCTV कैमरा है, अगर तुम इस तरफ देखोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम सावधानी से लिखना बेटी, नहीं तो वो सारा देख लेगा। ठीक है सर। अरे यार सुनिए, मेरा पेपर। तुम अपने पेपर पे ध्यान दो। ठीक है ठीक है, सॉरी सर। लास्ट 10 मिनट्स, अगर कोई देख कर लिखना चाहता है तो देख के लिख ले, कोई बात नहीं। बहुत हो गया, मेरा पेपर दो। ये उस लड़की का पेपर है, है? ये पेपर मेरा है सर, ये लीजिए सर, लीजिए ना। पूरे क्लास में मेरा पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, आपके सामने ये सारे लोग कॉपी कर रहे थे, आपको पता नहीं चला सर? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ऐसा क्यों किया? आपने पेपर लिया ओके, फिर आपने सबको पास क्यों किया? सब लोग एक जैसा लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। अगर एक जैसा लिखेंगे तो ना, मतलब तुमने उसमें गलती तो की ही होगी, तुम्हारा पेपर एज इट इज कॉपी कर लेंगे, इतने बेवकूफ लगते हैं हम? देखो बॉस, फिल इन द ब्लैंक्स में दो तीन मिस्टेक करके ही लिखते हैं हम। हम 100 में से 100 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, हमारे लिए 70-80% काफी है। कमाल है, गलत चीजें भी आप इतनी हिम्मत से कैसे करती हैं? इस सोसाइटी में गलत करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है, गलत ना करने के लिए हिम्मत की जरूरत है, समझ गए ना? बाय 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 बाय।
भाई इस काम को अगर विमली के गुना को दिया जाएगा तो वो कर लेगा ना भाई? ये लोग ऑलरेडी विमली के गुना से ही मिलकर हमारे पास आए हैं। ये काम उतना आसान नहीं है। ये मर्डर भी हम एविडेंस के साथ ही करेंगे। क्यों भाई? उस एविडेंस से हम लोग 50 करोड़ की डिमांड करेंगे। 50 करोड़? ऑडिटर के पास उतना पैसा कहां से आएगा भाई? इस ऑडिटर के पास मरे हुए मिनिस्टर गोविंद स्वामी की बेनामी प्रॉपर्टी है। 100 करोड़ के ऊपर की ब्लैक मनी इसके पास ही है। ये मिनिस्टर की फैमिली को भी नहीं पता। आप कमाल है भाई। मेरी बीवी का फोन, मेरी बीवी का फोन। यहाँ बैठा हूँ, समझ जाएगी तो बहुत मारेगी। भाई 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 भाई, क्या है? मेरी बीवी का फोन है। थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाइए, थोड़ी देर के लिए प्लीज एडजस्ट कीजिए, मेरी सिचुएशन समझिए प्लीज। ए भाई ठोकना बंद करो ना, बीवी का फोन है प्लीज। हेलो सोना। हेलो, कहाँ हो तुम अभी? ऑफिस में। वाइन शॉप में होना तो? नहीं तो वाइन शॉप में होता तो आवाज नहीं आती। रात के खाने के लिए क्या बनाना है वो बताओ। क्यों इतनी मेहनत करोगी? आते समय कुछ ना कुछ लेकर आ जाऊंगा खाने के लिए। तो फिर डायपर्स कौन लेकर आएगा? बच्चे का डायपर्स भी लेकर आ जाऊंगा। ओके ठीक है, रखता हूँ। बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू। चला बात शुरू कर मास्टर, ठोकना शुरू कर। क्या यूनिटी है, ऐसी यूनिटी पूरी इंडिया में हो जाए ना तो कितना डेवलप हो जाएंगे हम। ठीक है मैं चलता हूँ यार। ठीक है भाई। ए रुकना, एक बात बता, तू ठीक 8 बजे ही क्यों चला जाता है? ए भाई को पिकअप करना है यार। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ए वो सच बोलता होगा यार, छोड़ उसे। लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो भरोसा रहा है। करना है, भरोसा ही जिंदगी है। फ्रेंड पर भरोसा नहीं है क्या? माता पिता और गुरु हमारे लिए वो कोई भगवान नहीं होते, फ्रेंड्स होते हैं। सही है। माँ कहती है कि ये तुम्हारा बाप है तो हम सब मान लेते हैं। पिता कहते हैं यही आसमान है यही धरती है तो हम मान लेते हैं। और अपनी टीचर यह ऐसा कहते तो हम मानते हैं। तो फिर फ्रेंड को क्यों नहीं मानते? ये दम मारो तो कड़क रहेगा, ये ब्रांड डुप्लीकेट है, ये पियोगे तो जल्दी चढ़ेगा। ये सब अपने को फ्रेंड ही सिखाता है ना। बाइक पर 2 की जगह 4 जा सकते हैं, ये भी अपने को फ्रेंड सिखाता है। रनिंग बस में लटक कर सिंगल पैर पर खड़ा रहने का कॉन्फिडेंस भी अपने को फ्रेंड ही देता है। इतना ही क्यों, ऐसी अंडरवेयर ऐसा जींस पहनने से लड़कियां पटती है, ये बात भी हमको सिर्फ फ्रेंड ही सिखाता है। तो फ्रेंड पर भरोसा करना है। वो सब छोड़, पहले उसको बोल कि तुझ पर भरोसा है। भरोसा भाई तू जा, चलता हूँ यार। हेलो। क्यों सर, आने वाले हो या मैं ऑटो से चली जाऊं? 5 मिनट में वहां जाऊंगा। ठीक से बताओ ना कितना टाइम लगेगा। 5 मिनट में आ जाऊंगा, फोन रखो अब। तुम जाओ मैं बाद में आती हूं। ठीक है बाय। चलो उतरो, बैग दो। बाय, कल मिलते हैं। यार एक 90 बॉल बोलना। अच्छा एक क्वार्टर बोल दे, सब मिलके पी लेंगे। ए इसकी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही, तू सुन पा रहा है? मुझे भी नहीं सुनाई दे रही, आई प्रॉमिस। हाँ बोल भाई, नन्हे दूल्हे। सब गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ यार? मेरी शादी नहीं होगी, नहीं होगी मेरी। अबे पहले बोल तो क्या हुआ। अरे क्या बताओ यार, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है तू एक काम कर, बिमली रिसोर्ट में जल्दी आ जा, हम लोग आते हैं। उसके पास दिल ही नहीं है, थप्पड़ मार कर मुझे छोड़कर चली गई। वो साइडिस्ट है, साइको है, सब लड़कियां ऐसी होती है। लड़कियों के बारे में ऐसी बात करता है, गलत है ये। अरे 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 अरे, इस तरह सबके सामने छींकना कोई अच्छी बात है क्या? मैं बोलूंगा तो नहीं समझेगा। दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं, अकल नहीं है तुम्हें? ध्यान से देख। छींकना, हिचकी, भूख, नींद, अच्छा बुरा, जन्म मरण, पदवी मुक्ति, ये सब पूछ कर नहीं आते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। वो कैसे आएगा पता नहीं चलता, कैसे जाएगा ये भी पता नहीं चलता। ए पैसों की जरूरत है, तूने किससे मांगा है क्या? और क्या जरूरत है इसकी, मुझसे कहा होता मैं अरेंज कर देता। ए उतना अर्जेंट नहीं था यार, अगर जरूरत होगी ना तो तुझसे मांग लूंगा ना, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। हेलो। हेलो, बिल्डर जगन्नाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। साइट पे आके सुपरवाइजर से झगड़ा करके क्यों गया? हाँ सर, 6 घर का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप लोग 20 घर बना रहे हैं सर। आपने हर किसी से एडवांस भी ले लिया है सर?
सर आपको तो पता ही है कि जिन बिल्डिंग्स को अप्रूवल नहीं मिलता है उन्हें बैंक्स कभी लोन भी नहीं देती सर। बिना लोन के हम पैसे कैसे भरेंगे सर? और अगर 3 महीने में पैसा नहीं भरा तो एडवांस मनी नहीं मिलेगी, आप ऐसा बोल रहे हैं? अगर फुल अमाउंट का सेटलमेंट नहीं हो पाता तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए चुप रहोगे तो भाई से बात करके ऊपर का ट्रिपल बेडरूम तुम्हारे नाम करवा दूंगा, ठीक है? सर आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना अप्रूवल वाली बिल्डिंग में एडवांस दिया है, इससे पहले कोई प्रॉब्लम हो पैसा वापस कर दीजिए, नहीं तो पूरी बिल्डिंग को सील करवाना ही पड़ेगा। देखो भाई तुम बहुत गलत बात कर रहे हो, हमसे पंगा लिया तो आप धमकी दे रहे हो क्या? सर अपने बच्चों के लिए सिर्फ पाप करने से नहीं चलेगा, थोड़ा सा पुण्य भी कर लिया करिए। तो फिर ठीक है, तुमने जैसा कहा वैसा मैं सबका एडवांस वापस कर दूंगा, तुम थोड़ा सावधान रहना। ओके थैंक्स सर। अरे जो भी हो देखो नीचे आ जाओ, हम लोग मिलजुल के बात कर लेंगे। अरे जो भी हो नीचे आ जाओ, हम लोग बात कर लेंगे नीचे। अरे मेरी बात सुनो, नीचे आओ। मैं मरने वाला हूँ, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचाने की कोशिश भी मत करो। कम डाउन। ए, उस दिन एग्जाम हॉल में एक लड़की को देखा था ना, अरे मैंने बोला था ना कॉलेज में बैठकर कॉपी कर रही थी, वो लड़की वो यही है। माय डियर ऑडियंस, मैं बहुत देर से आप लोगों को इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी से आखिरी बार फोन पे बात करके यहाँ से कूद के मर जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, कौन है रे तू? हेलो, मैं ही बात कर रहा हूँ। हेलो, अरे सिग्नल नहीं मिल रहा है। ए, मैं टावर के ऊपर चढ़ के बात कर रहा हूँ और तुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है? यहाँ मैं तेरा नाम लिख के मरने वाला हूँ, आज मेरा मरना कंफर्म है। अरे अरे अरे, ये क्या बोल रहे हो? ये तो तुम्हें ठीक से सुनाई देगा ही, कल तुमने मुझे क्या कहा था? तू पर जा। अच्छा मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ पर किसी की जान जा रही है और तुम पागलों की तरह बकवास कर रहे हो, तुम्हें उसे नीचे उतारने के बारे में सोचना चाहिए, वो गिर गया तो उसकी जान चली जाएगी। हाँ? बार बार टीवी में कहता रहता है ना, लेडीज एंड जेंट्स इक्वल, लेडीज एंड जेंट्स इक्वल है, तुम्हें जाकर क्यों नहीं बचा लेती? मैंने स्कर्ट पहनी हुई है, नहीं तो अब तक कब की चढ़ गई होती। अरे मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, उसे इंप्रेस कर, इरिटेट मत कर। यार कैसे इंप्रेस करना है, कोई आइडिया तो बता दे मुझे। हम नीचे बात करेंगे ना, आ जाओ। मेरे मरने के बाद तू खुशी से रहना। अरे नीचे आओ, जल्दी आओ नीचे। मेरे मरने के बाद तू और तेरी माँ पूरे गांव में नाचते रहना। वो देख। मेरे मरने के बाद तुम्हें सुनाई नहीं देती ना, तुझे और तेरी माँ को अब ठीक से सुनाई देगा। ब्रदर रुकिए, ब्रदर वेट करो, ब्रदर 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 तुम लाइन में रहो, लाइन में रहो। देखो तुम ऊपर मत चढ़ो, मुझे बचाने की कोशिश भी मत करना। ऐसा नहीं है ब्रदर। ब्रदर तुम अगर एक स्टेप और ऊपर चढ़े तो मैं ऐसा कूद जाऊंगा। रुको, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ, दोनों मिलकर कूदेंगे। तुम क्यों मरना चाहते हो? लव फेलियर ब्रदर, उन लोगों में यूनिटी अच्छी होती है लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है ब्रदर। एक लड़की का ब्रेकअप हो जाता है तो इमीडिएटली उसके पीछे हमारे जैसे 100 लड़के पड़ जाते हैं, लेकिन एक लड़के का ब्रेकअप होता है तो एक भी लड़की उसको नहीं देखेगी, कोई भाव नहीं देता। इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रदर, तुम अकेले कूदोगे तो ये सुसाइड होगा, लेकिन अगर दोनों मिलकर कूदेंगे तो इन औरतों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा महायुद्ध हो जाएगा। ये तो सही है। अच्छा तुमसे पूछना भूल गया, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चों के बारे में क्यों पूछ रहे हो ब्रदर, मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। अरे भाड़ में क्या तेरा डाउट, इसलिए तो मैंने कहा था हम लड़कों में यूनिटी नहीं है। ठीक है तू कुछ मत कह, 1 2 3 काउंट करो, मैं कूद जाता हूँ। काउंट ब्रदर काउंट। अरे जरा वॉल्यूम बढ़ाओ यार। 2 2 2 3। ब्रदर सिंगल जंप में मरना है ब्रदर, आ जाओ। मैं तो बच गया, इसे हटाओ, कूद का कुछ फायदा नहीं है ब्रदर, सिंगल जंप में मर जाना चाहिए। उतर जाओ ब्रदर, उतर जाओ, कोई फायदा नहीं है, चलो आ जाओ। कम कम कम, हम लोग कोई और जगह ढूंढ लेंगे, कम ऑन। बेवकूफ का, चल चल।
सर। थैंक्स सूर्या। इट्स ओके सर। तुम्हारी स्मार्टनेस बहुत अच्छी लगी। जब भी फ्री हो तो पुलिस स्टेशन में आकर मिलना। ठीक है सर, जरूर। कीप इट अप। थैंक यू। ऑटो ब्रदर, सी यू। एक बाइट देंगे सर? वन सेकंड। आप आओ ना मैडम। अगर मैंने इतना रिस्क लेकर उसकी जान बचाई है तो ये सिर्फ इनकी वजह से, मुझे इन्हीं की वजह से हिम्मत की मोटिवेशन मिली है। सो हम सब की तरफ से थैंक्स टू मैडम। ओके ना, थैंक यू सो मच। अरे यार, हम टीवी में दिखने वाले, चल जल्दी घर पे बताते हैं। कैमरे के सामने मुझे क्यों खींच कर ले आए? आपकी पब्लिसिटी के लिए। टीवी वाले चुप रहेंगे क्या? ये न्यूज बार बार दिखाएंगे वो लोग। तो फिर सुपर है ना, पूरे शहर में आप फेमस हो जाएंगी। नहीं, मेरे घर वाले देखेंगे तो सोचेंगे कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। ऐसा सोचेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके घर पे आके बात करूंगा। अपना फोन नंबर दो। अरे यार, नंबर जल्दी से ले। 944 333 222। हाँ, 222। हाँ ठीक है। टीवी देखकर अगर मेरे घर वालों ने मुझे कुछ कहा ना, तो सीधे तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगी। चल। ये घर पे आके मारने वाली है क्या? देख यार, वॉर से शुरू होने वाला प्यार बहुत वंडरफुल होता है, बस तू देखता जा। टीवी देख रही हो ना? हाँ, वो बिल्कुल मुझ पर गई है। हाँ, मैं भी देख ही रही थी। लता, हाँ? चाची लाइन पर है, लो बात। हाँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ, सिंधु, मैं फिर से तुम्हें कॉल करती हूँ। हाँ, 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 बाकी सब बढ़िया है। हाँ चाची, इस मैडम की वजह से आज मुझे सामने को बचाने की हिम्मत मिली है। ये मैडम सच में, मुझे क्या पता था कि वो टीवी पर आएगी। अरे नहीं तो मैं ही उसे हीरोइन की तरह तैयार करके भेजती ना। हाँ यही है, लीजिए बात कीजिए। कौन है ना? अरे दादी है, लो बात करो। हाँ दादी। हाँ आ जाऊंगी, एक मिनट दादी, माँ से बात कीजिए। मैं क्या बात करूँ माँ? हाँ बोलिए, क्या बात है? हेलो, कौन है? जानवी बोल रही हूँ। हाय जानवी, कहाँ हो तुम? मैं तो दरअसल वो, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आ रही हूँ। बोलो ना कहाँ हो? विजयनगर में फ्रेंड की शादी है तो उसी के रिसेप्शन पे आया हूँ। ओके, वहीं रुकना, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? अच्छा, सेल्फी है क्या? ठीक है। ए रमेश, अरे रुकना यार। अरे रमेश, आ ना यार, आ जा यार, चल जल्दी साथ में। अरे चल यार, बात कर रहा हूँ, चल इधर खड़ा हो जा। अच्छा अच्छा, इसे आप यार, अरे यार, अबे कमीनो, सेल्फी क्यों लेते हैं पता है तुम लोगों को? हेलो। हाँ चलो, वन सेकंड, बोलो रमेश। एक मिनट, अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। इफ यू डोंट माइंड, एक सेल्फी ले सकता हूँ? या थैंक यू। थैंक यू, सी यू अगेन। ऐसी कुल्फी से ठंडक लेने के लिए ये सेल्फी टेक्नोलॉजी बनी है, तुम जैसे बंदरों के साथ गाल रगड़ कर लेने के लिए नहीं। तू सुपर है यार। एक छोटा सा मैटर है, मेरी पहचान की कुल्फी तेरे साथ सेल्फी लेना चाहती कुल्फी? है। कुल्फी? यस। क्या है? वो देख, वो रही। सेल्फी लेना है तुम्हें? सेल्फी घर में आओ, सेल्फी कैसे लेते हैं सिखाती हूँ तुम्हें। मजाक किया था मैंने। हाँ, पता है पता है, सब पता है मुझे। शाम को एक साड़ी लेके आता हूँ। हम दोनों की सेल्फी। अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? यहाँ तुम्हारी माँ है। इससे अच्छा तो मैं घर पे बनाती हूँ। छोड़ो ना। हाय। हाय। I've bought something for you। ये किस लिए? उस ऑटो ड्राइवर को बचाने के लिए। ओह थैंक्स। बाय द वे, उस इंटरव्यू को देखकर तुम्हारी फैमिली कैसे रिएक्ट की? ओह वो, उन्हें लगा कि मैंने ही उसे बचाया है और मेरी तारीफ करने लगे। बच गए, सब कुछ ठीक है ना? डिनर हो गया क्या? डिनर? देखो, जो कोई रिसेप्शन में आता है तो फंक्शन कैसे हुआ पूछता है, और आपने डायरेक्ट फूड के बारे में ही पूछ लिया। बहुत आगे की चीजें आप। आप पैदा होते ही इंटेलिजेंट थी या बड़े होने के बाद इंटेलिजेंट बनी? ये क्या कह रहे हो, कोई इंटेलिजेंट पैदा कैसे हो सकता है? वो क्या है ना, घर में बड़े लोग कहते रहते हैं ना, बच्चा बाप की तरह स्ट्रॉन्ग पैदा हुआ है, मम्मी की तरह बिल्कुल शार्प है, तो इन दोनों में से आप कौन सी हैं? ओह, वैसे देखा जाए तो मैं बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट थी। उसका रीजन ये है कि मेरी मॉम बहुत शार्प हैं। फिर आपके पिताजी? तुम्हारे जैसे हैं। मेरे जैसे? हम लड़कियों की लैंग्वेज में तुम जैसे को टुमांगी कहते हैं। टुमांगी मतलब? टुमांगी का मतलब दिखने में तो क्लेवर दिखते हैं पर कोई काम के नहीं। हेलो, आई मीन छल कपट ना रखने वाला, दिल का बिल्कुल साफ। तुम कह रही हो तो मुझे ये गाली से भी अच्छा ही लग रहा है।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं चलती हूँ। जानवी फ्रेंड्स, एक बात सुन लो, फ्रेंड के नाम पर अगर मुझे लाइन मारोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो फ्रेंड बनकर ही रहना होगा, और तुम अगर मुझसे फ्लर्ट करना चाहते हो तो वो भी ओपनली करो। तो फ्रेंड बनना है या फ्लर्ट करना है? क्या करूं, बोल। एक दिन का टाइम मांग ले, एक दिन का, एक दिन का। मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। एक दिन? वो क्यों? 24 आवर्स में पता चल जाएगा ना। ओके चलेगा, बाय। बेटा चाय। हाँ थैंक्स आंटी। अच्छा मेरी जानवी में तुम्हें ऐसा क्या पसंद आया? जानवी में मुझे क्या पसंद आया बोले तो मैं सब कुछ ओपनली बताता हूँ आंटी। ये ग्लास छोटा है और आपने इसमें चाय भी थोड़ी सी ही दी है, देखा आपकी सोच कहाँ तक चली गई। परिवार को ऐसे ही चलाते हैं आंटी। मैं अंकल की तरह हूँ, पैसा बेकार में खर्च करता रहता हूँ, लूज हैंड है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो जानवी बिल्कुल आपकी तरह है, बहुत ब्रिलियंट। अगर मेरी लाइफ में जानवी की तरह कोई लड़की आ जाए तो। तुमने कहा तुम उससे एक दो बार ही मिले हो, फिर तुम उसके बारे में क्या जानते हो? जानवी के बारे में मैं क्या जानता हूँ, मतलब वो, हाँ अंकल 20 साल तक आपने उसे पैदा करके बड़ा किया, उसका सीक्रेट आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। क्या पता है? अपनी जानवी के 3 बैंक लोन है अंकल, उसने मेरे साथ ही तो एग्जाम दी थी। ये बात आंटी भी बहुत अच्छे से जानती है। आंटी मुझे तो आंटी? ऐसा उसने कभी नहीं बताया। ओह ये फोटो देखकर आप कंफ्यूज हो गए हैं क्या? एक्चुअली ये फोटो भी अपनी जानवी ने ही रेडी करवाया है अंकल। वैसे आपको बता दूं, किसी और की बॉडी में अपना फेस लगाकर लाइटिंग के साथ क्या मैनेज किया है अंकल, इतनी इंटेलिजेंसी और कहां देखने मिलेगी। हेलो, और मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आपके बारे में अंकल? हाँ आपकी बेटी की भाषा में बोलूं तो आप एक टुमांगी हैं अंकल। टुमांगी? हाँ दिखने में बहुत बुद्धिमान तो लगते हैं मगर एक्चुअली ऐसा है नहीं। क्या? हाँ नहीं अंकल, मतलब कोई छल कपट नहीं है, ये बताना चाह रहा हूँ अंकल। बेटा एक और चाय दूं? हाँ दे दीजिए आंटी, लगता है आंटी को मैं बहुत पसंद आ गया हूँ। अगर तुम्हें अपने डैडी की जॉब मिली तो सैलरी कितनी मिलेगी? वो तो मिनिमम 30,000 रुपीज। सो नाइस। ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जानवी, बस यूं ही तुम्हारे पापा से मिलने आया था। मेरे पापा से मिलने? हाँ। क्यों? देखो जानवी, तुम्हें पटाने में मुझे 2 महीने तो टाइम लगी जाएगा। 2 महीनों में वैसे भी तुम पटी जाने वाली हो, और उसके बाद तुम मेरे पास आकर मेरे डैडी ने ना कहा है, मेरे मम्मी ने ना कहा है, मेरी फैमिली ने ना कहा है, ऐसा बोलती रहोगी। इसलिए मैंने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब फैमिली की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया है। हेलो क्लियर, इसका क्या मतलब है? क्या कह रहे हो तुम? जानवी जानवी एक मिनट, आई लव यू जानवी। लुक सत्या, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे इस प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ। ऐसे कैसे चलेगा? कितने दिन से ट्राई कर रहे हो? 10 months 3 days ब्रदर। 10 months 3 days ब्रो, प्रपोज के बाद। प्रपोज? मैं भी डर गया था, अलग अलग सोच आ रही है, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है काम करो ब्रदर, मैं अभी अभी जानवी के फादर से बात करके आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मंथली 30,000 रुपए सैलरी रहेगी तो ओके है, इसलिए इस रूट में टाइम वेस्ट मत करो, उस रूट पर जाओगे तो काम हो जाएगा, फिर ये जानवी आपकी हो जाएगी। ऐसे वर्कआउट होगा क्या? 100% ब्रो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, सुपर आइडिया है ब्रदर। हाँ ब्रदर, अगर बुरा ना लगे तो ये बुके मैं आज के दिन यूज कर लूं, प्लीज मुझे दे दो ना। ऑल द बेस्ट ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, तुमने जैसा मुझसे कहा ना वैसा ही करूंगा, फिर देखना क्या होता है। आई लव यू जानवी, ऑल द बेस्ट ब्रदर। अरे तुम उसके साथ क्या बकवास कर रहे थे? हाँ उसका स्टाइल मुझे पसंद नहीं, इसीलिए उसे अवॉइड करती हूँ। वो उसने क्या किया? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर कुछ टाइम में मुझे प्रपोज कर दिया। अरे यार रॉन्ग रूट है ना। चलो छोड़ो जानवी, वो 10 महीने 3 दिन तुम्हारे पीछे घुमा है, वही टाइम अगर दूसरी जगह इन्वेस्ट किया होता तो अब तक बाप बन जाता। मैंने जो आइडिया दी है उससे उसका भला हो जाएगा, मैं अच्छे से जानता हूँ, तभी तुम उसे नो नहीं कहोगी। एटलीस्ट उसे तुम्हें प्यार करने के बहाने अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी। सो आई लव यू। अब देखिए भाई, ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और ये अपनी दोस्त की बहन के साथ पिछले 2 सालों से प्यार में है, ये बात इसके फ्रेंड को नहीं पता। ये दाढ़ी वाला ब्याज पे पैसे देता है और उसे इसने उसके ही एरिया में पागल कुत्ते की तरह मारा है।
ये बात पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गई, लेकिन बात इतनी नहीं है भाई। कल रात को ही इन दोनों को डाइवर्ट करके एल्युमिनियम फैक्ट्री में लेकर जाओ। उसी बीच रियल एस्टेट के ऑफिस को तोड़ दो। भूलना नहीं, अपने आदमियों को कैटरिंग के यूनिफॉर्म में ही जाने के लिए कहना। इसकी वजह से ऑटोमेटिक इन लोगों पर पुलिस केस रजिस्टर होगा। फिर उसके बाद इसे हॉस्पिटल में लाते वक्त इन दोनों की कहानी वहीं खत्म कर दो। अभी डाउट किस पर होगा? उन लोगों का ऑफिस तोड़ दिया गया, इसलिए इन दोनों को मार दिया। तो फिर देर किस बात की, लग जाओ काम पे। हाँ सर, बोलिए ना सर। थोड़ा सा सूर्य, ज्ञान शेखर के रियल एस्टेट के ऑफिस में आज तुम्हारे फ्रेंड ने 7 बजे जाकर वहाँ काफी तोड़फोड़ की है। वहाँ से दास ने आकर यहाँ कंप्लेंट लिखाई है। क्या सर? लेना यार बीना। क्या क्या बोल रहे हैं सर? पिछले 2 घंटे से वो मेरे साथ ही तो है। अच्छा, क्या हुआ बे? एनीवेज अब उसने कंप्लेंट की है तो मुझे एक्शन लेना ही होगा। तुम एक काम करो, अपने फ्रेंड को घर पे मत भेजना, उससे कहो किसी सेफ जगह चले जाए। ठीक है सर। अरे क्या हुआ है, बताना क्या हुआ। चलिए यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ? अरे चलो, अरे सब लोग यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो। अरे चलो, वो लोग प्लान बनाकर खुद इसे फंसा रहे हैं। उसी दिन उन्हें अरेस्ट कराना चाहिए था, तू बेकार में चुप रहा वहां। नहीं, ये उन लोगों ने नहीं किया। ए, उन लोगों ने नहीं किया, ये कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हारे ऐसे सोचने से नहीं चलेगा। बोलो माँ, इस वक्त कहाँ है तू? फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ माँ। बहन को लेकर घर आ जा, थोड़ा काम है माँ। तो उससे जरूरी मेरा काम है माँ। वो तेरी माँ मर गई, बोलो तो भी नहीं आएगा क्या? क्या हुआ यार, घर में कुछ प्रॉब्लम है यार। माँ कुछ अलग तरीके से बोल रही है। ए, मेरे कहने तक बाहर मत निकलना, और तुम सब लोग मुझे इसके बारे में बता दे रहना फोन करके। ओके बाय। संभल के जाना, जल्दी आओ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, माँ ने तुम्हें जल्दी लाने के लिए बोला है। हाँ बोलो भाई। निकला क्या? अभी तक नहीं आया भाई, आते ही बता देना। हाँ ठीक है भाई। वही है, चलो। Hey,
रुक जाओ, ये वो नहीं है। ए, रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ दो उसे। हाँ ठीक है भाई, सॉरी बॉस, तुम वो नहीं हो। सॉरी, कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ नहीं ना। हाँ चल रहे। कहाँ चला गया वो? हमेशा वो इसके साथ ही आता था ना। अचानक मेरे दिल ने धड़कना बंद किया। कौन थे वो लोग और हम पर क्यों अटैक किया था? रो मत अनु, कुछ नहीं हुआ ना। अब डरो मत, दरअसल वो किसी और को मारने आए थे। और हाँ, ये सब घर में मत बताना। हाँ ठीक है। फालतू में टेंशन हो जाएगी। क्या हुआ माँ? माँ बोलो। माँ बोलो सोना, कहाँ हो तुम? मणि के रूम में। अनु और महेश के प्यार के बारे में उसकी माँ को पता चल गया है, इसीलिए सूर्या के घर में झगड़ा हो रहा है। क्या अनु महेश के बीच में प्यार है? क्या बात कर रही हो? इसका मतलब तुमको भी पता नहीं है? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। क्यों रे, तू अनु से प्यार करता है? कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? बोल ना, तुम और अनु प्यार करते हो कि नहीं? तेरे ऊपर कितनी उम्मीद रखी थी मैंने, मुझे भी धोखा दे दिया तुमने। ए, फ्रेंड फ्रेंड बोलकर उसे सर पर बिठाया था ना तूने? अब बता, बता ना मुझे। माँ ये बस जनरली बात कर रहे होंगे। माँ फोटो देखकर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ये फोटो देखकर नहीं बात कर रही हूँ मैं, इसके साथ काम करने वाली कौशल्या ने बताया मुझे। क्या ये झूठे पूछ इसे? अनु देखो बेटी, तुम अभी छोटी बच्ची हो, वो अच्छा नहीं है, उसने तुम पर जादू कर दिया है, उसे छोड़ दो बेटी, उसे छोड़ दो। हाँ नहीं माँ, महेश और मैं। पढ़े लिखे हो ना, अक्ल नहीं है तुझे? वो सही नहीं है, बता रही हूँ सुन। अगर तुझे उसी से शादी करनी है तो दोनों मेरा श्राद्ध करके दोनों को जो करना है कर लो, कर लो। उस ऑफिस को तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर, मैं उस वक्त सूर्या के साथ था। अगर आपको डाउट है तो उसे फोन करके आप कंफर्म कर लीजिए सर। तुम्हारे फ्रेंड सूर्या ने ही तुम्हें अरेस्ट करने के लिए कहा, तो क्या बैठे रहो? बिल्डर के ज्ञान शेखर के रियल एस्टेट ऑफिस में तोड़फोड़ करने वाले महेश नाम के इस आरोपी को ये कोर्ट 15 दिनों के लिए रिमांड पर रखने का हुक्म सुनाती है। तुम्हारे फ्रेंड सूर्या ने ही तुम्हें अरेस्ट करने के लिए कहा। ए, महेश को क्यों पुलिस से पकड़वा दिया? ये सब क्या बोल रहा है तू? ए, इंस्पेक्टर से बात करते हुए मैंने तुम्हें देखा था। महेश से मैंने ही प्यार किया है,
और उसे ये बताने से मैंने ही मना किया था। अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो मुझे बताना चाहिए था ना। ए, मानते हैं कि उसने गलती की है, लेकिन इसके लिए पहले उससे बात करनी चाहिए थी ना। और तुमने क्या किया, उसे गलत केस में फंसा कर उसे बदनाम कर रहे हो, यही है दोस्ती? हाँ है, उसने मेरी बहन से प्यार किया है, उसी गुस्से से मैंने उसे पकड़वाया है। तुम लोगों को जो सही लगता है वो ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये सही है। ए, अभी इससे बात करना बेकार है, चलो यहाँ से। चलो ए, अब, जो सच है वो बोल। बोल तो दिया ना। ए, तुम्हारी बातों में वो आ सकते हैं, मैं नहीं। तुमने एक बार मुझसे कहा था ना कि यदु और महेश की शादी करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, सच्चाई क्या है बोल ना। अपने महेश को कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये क्या बोल रहा है तू, बोल ना। कल रात को महेश को जान से मारने वाला कौन है ऐसा डाउट आया तो मैं जाकर दास से मिला। बिना एविडेंस के हम लोगों ने कंप्लेन नहीं किया है, खुद देखो उसकी हरकत। वो लोग भी नहीं है, मैं समझ गया। उसके बाद तुरंत मैंने इंस्पेक्टर को फोन किया। बोलो सूर्या। सर, उस वीडियो में महेश नहीं है सर। कोई स्केच बनाकर मेरे फ्रेंड महेश को फंसा कर उसे जान से मार के केस दास पर डालने की कोशिश कर रहा है। सर, आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी सर। इस केस में मेरे फ्रेंड को अरेस्ट कर लीजिए। ये बात तुमने महेश को क्यों नहीं बताई यार? ताकि वो जेल में किसी को अपना दुश्मन ना बना ले। उसे जेल से बाहर आने में 15 दिन तो लगेंगे। उतने दिनों में हमें ये पता लगाना है कि ये सारा काम कौन कर रहा है। उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। से हमने फ्लैट खरीदा था। हेलो, बोलिए। मैं थ्री टाउन का इंस्पेक्टर हूँ, चंद्रशेखर। बोलिए सर, आखिर बात क्या है? आप जागृति नगर में अपार्टमेंट बना रहे हैं, वहां मेरे फ्रेंड महेश ने एक फ्लैट खरीदा है। उस मामले में मेरे दोस्त और आपके बीच झगड़ा हुआ था ऐसा सुना है। तू बहुत गलत बात कर रहा है, हमसे पंगा लिया तो। आप धमकी दे रहे हो क्या? तुम सावधान रहना। तुम्हारे फ्रेंड को जान से मारने का मेरा कोई मकसद नहीं है, उसे डराने के लिए उस दिन ऐसे ही कह दिया था। सच में मैं ऐसा आदमी नहीं हूं सर, मेरे किए हुए पाप की वजह से मैं अपनी बेटी को खो चुका हूं सर। सर, आपके फ्रेंड ने कहा था इसलिए कस्टमर के पास से लिया हुआ सबका एडवांस मैंने लौटा दिया है सर। मैंने कल तुम्हारे फ्रेंड को कॉल भी किया था, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। डाउट करने का कोई चांस ही नहीं है भाई, सच में उसे अरेस्ट करवा दिया है। बकवास बंद कर, यह सब जानबूझकर किया है। मुझसे वो उसे कैसे बचाएगा? मेरी प्लानिंग में उसे फंसना ही पड़ेगा। मैं लंच कैंटीन में ही कर लूंगी, मुझे टिफिन नहीं चाहिए। कल से मैं देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है तेरी, तेरी जबान को काट दूंगी। ये एडवाइस है ना, अपने बेटे को दे देना। क्यों बेटी, मेरी भाभी को क्यों सता नहीं, रही हो? यही मुझे बहुत सता रही है। क्यों बुआ, सडनली आ गए? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी की बात करने के लिए बुलाया है। क्या हुआ, शादी की बात करते ही ऐसे खामोश क्यों हो गई? मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ, ठीक। क्या हुआ भाभी, ये इतनी उदास क्यों लग रही है? उसका चेहरा हमेशा ऐसे ही रहता है, आप बैठिए ना। हम लोग को आधे घंटे में वहाँ पहुँचना है। ठीक है। Oh,
मैं खुद आई हूँ। ऐसा नहीं अनु, बेल के लिए अप्लाई किया है, 2-3 दिन लग जाएगा उन सब में। ये तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए। उसकी बहन को प्यार करने की वजह से अपने दोस्त को उसने जेल भिजवाया है, कॉलोनी के सब लोग यही समझते हैं। लोगों के इसी सोच को ही हम अपने प्लान का हिस्सा बनाएंगे। क्या प्लान है भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है जानवी। पागल हुआ जा रहा हूं मैं। कॉलोनी में सब लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैंने ही महेश को अरेस्ट करवाया है। घर में मेरी बहन मुझे दुश्मन की तरह देख रही है। सिचुएशन जाने बिना ही मेरी मां अनु की जल्द से जल्द शादी करवाने की कोशिश कर रही है। अभी 1 हफ्ता बाकी है, 1-1 दिन निकल रहा है और ये सोचकर डर लग रहा है कि मैं महेश को नहीं बचा पाऊंगा। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ स्टेशन आता हूँ ना सर। ठीक है सर। ये है? ये नहीं सर। ये भी नहीं सर। और ये? नहीं सर। ये भी नहीं है? इनमें से कोई नहीं है सर। ये सब जो तुमने देखा वाइजैक, चित्तूर, विजयवाड़ा, कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट के थे। कल सुबह तक हैदराबाद से अक्यूज्ड की लिस्ट आ जाएगी। मेल आते ही मैं कॉल करूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। ए, कल की अक्यूज्ड लिस्ट में अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कल की लिस्ट में भी वो लोग पक्का नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे उसे? ए, उन लोगों ने मुझे महेश समझकर अटैक किया था। हाँ। तो उसे 1 हफ्ता पहले उसका हर मूवमेंट देखकर उसका स्केच बनाकर मारने के लिए आया था। अगर मेरा गेस करेक्ट है तो हम उन्हें पकड़वाएंगे इस डर से वो हमारा पीछा जरूर करते होंगे। अभी भी वो लोग हमारे पीछे हो सकते हैं। सूर्या, इस वक्त तुम एग्जैक्टली कहां पर हो? जगदम्बा सेंटर की तरफ जा रहा हूं सर। जगदम्बा सेंटर की तरफ चलो। ब्रदर, कैसे हो ब्रदर? कहाँ चले गए थे ब्रदर? भाई आपको पता है मैं उस दिन आपका नंबर लेना भूल गया था ब्रदर। हाँ, मैंने सीआई साहब से मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। आपके नंबर के लिए डायरेक्ट चैनल तक गया था, वो लोग भी नहीं दिए। ब्रदर आपने मेरी जान बचाई है ब्रदर। मेरी बीवी ने कहा कि आपको एक दिन घर पे बुला के खाना खिलाऊं। आप इतना तो कर ही सकता हूं ना ब्रदर? थोड़ी हवा लग जाए इसलिए खुला रखा है। 4 आइसक्यूब डाले और ठंडा रहेगा। वो तो और भी अच्छा रहेगा। ब्रदर बोलो ना आप कब आओगे? प्लीज आता हूं ब्रदर। आप नॉनवेज खाते हो ना? मेरी बीवी नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती है। ब्लैक ब्रदर आपको भी आना होगा। ए भाई अभी नहीं आ सकते, अर्जेंट काम से बाहर जा रहे हैं। ओके ठीक है मैं आऊंगा। ब्रदर भूलना मत। ब्रदर भूलना मत। ब्रदर जी बात भूलना मत। सर सूर्या कहां हो? मैं सिग्नल के पास ही हूं सर। वो लोग कहां पर है? सर वो एग्जैक्टली मेरे पीछे ही है। दिख गए मुझे, तुम आगे बढ़ते रहो, मैं पीछे पीछे आता हूं। ओके सर। रेडी है ना?
ओ भाई पुलिस वाला है। भाई सब संभाल लेंगे, तू डर मत। वही है सर, लगता है काम हो गया। बोलो सांबा भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या हो गया? दरअसल बात यह है, मेरा प्लान फेल हो गया है। मेरे एक आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। पुलिस वालों ने? हाँ भाई। देखो सांबा, जो भी है तुम्हें मैनेज करना है, हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सब मैं संभालूंगा। बस इंक्वायरी करने वालों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, फिर सब सेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, बार बार एक ही बात बोलकर मेरे सब्र की इम्तिहान मत लो। ईमानदारी के साथ बता दो, नहीं तो लाठी को काम में लाना पड़ेगा। सर, आपके किसी भी बात का जवाब मेरे पास नहीं है। आप बेकार में मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। सूर्या, वो एक ही बात दोहराया जा रहा है, मुझे अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम हो गया, तुम लोग जाओ। सर कोई बात नहीं, हम लोग यहीं वेट कर लेंगे। नहीं जाओ, सुबह आ जाना। सर, ए, चलते हैं ना। चल यार। एसआई साहब सब देख लेंगे, तू चिंता मत कर। चल सुबह आएंगे। मैंने ऑलरेडी दामोदर को बता दिया है, मर्डर नहीं करना है। बोला है सर, उसने उसे बहुत कन्विंस किया। सामने वाली पार्टी मना कर रही है ना, तो तू करने की जिद क्यों कर रहा है, समझना? भाई काम आज हो जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए, बोल रहा हूँ ना, मेरी बात समझ में नहीं आती, उल्टा जवाब देगा मुझे, जितना बोलता हो उतना कर। तेरे कहने पर इतनी आसानी से उसे छोड़ दूंगा? 10-20 लाख का काम समझा है क्या इसे? पूरी जिंदगी की कमाई का सवाल है ये मेरे। सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सेट कर दिया। मिनिस्टर के ऑडिट के लिए आप दूसरी जगह चले जाइए, मैं आपको 2 दिन में कॉल करूंगा। और अगर कोई ड्रामा करने की कोशिश की ना। ओके सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आ जाओ सूर्य, बहुत बड़ा जिद्दी है वो, कानून की एक एक किताब पढ़ रखी है उसने, एक शब्द मुंह से नहीं निकाल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा सर, उसने कानून के कौन से पॉइंट पे बात की सर? सर, आपने मुझे बिना किसी सबूत के अरेस्ट कर लिया है और लगातार मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मैं कंप्लेन करूंगा कि आप मेरे साथ होमोसेक्स करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ भेज दीजिए, ये उसे नया कानून सिखा देगा।
पुलिस स्टेशन में इंटरोगेट करने की वजह से ही तूने होमोसेक्स करने की कोशिश की, ऐसी कंप्लेंट करेगा। पुलिस वाले तुझ पर डाउट करके तुझे ले गए हैं, बाद में तेरी कोई गलती नहीं तो तुझे रिलीज कर दिया। उसके बाद तू बेंगलुरु चला गया ना, अब भी मेरा फ्रेंड तेरे फोन के साथ बेंगलुरु हाईवे पर है। ठीक आने वाले 20 मिनट में वो तेरे सिम कार्ड को कट करके फेंक देगा। पुलिस रिकॉर्ड में रहेगा कि तू बेंगलुरु ही गया हुआ है। अभी तुझे जान से मारकर यहां दफना दूंगा तो पूछने वाला कौन रहेगा? अब बता मेरे फ्रेंड को कौन मारना चाहता है? बहुत बहुत चल बोल। क्या जानना है तुझे? मेरे फ्रेंड को क्यों मारना चाहते हो? तेरे फ्रेंड को मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाँ? तेरे फ्रेंड के पास है ही क्या? कुछ नहीं। हमारा टारगेट तेरा फ्रेंड है ही नहीं। तो फिर कौन है? कैसे बताऊं तुझे? हाँ? हाँ? एक साल पहले गांधी प्रतिमा के पास एक्सीडेंट हुआ था, एक कलेक्टर मर गया था, याद है? और उसी एक्सीडेंट में एक और मौत हुई थी, एक तहसीलदार भी मरा था। वो तहसीलदार कैसे मरा, किसने मारा, किसी को भी उसकी मौत के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि उस कलेक्टर की मौत की बहुत चर्चा हुई। वो सिर्फ हमारा मोहरा था, हमारा असली टारगेट वो तहसीलदार था। हाँ, वरना कलेक्टर को कौन मारने जाता? वैसे ही तेरा फ्रेंड सिर्फ एक मोहरा है, टारगेट नहीं। तो फिर कौन है? तेरी बहन, तेरी बहन। मेरी बहन? यस। मेरी बहन ने क्या किया है, क्या गलती है उसकी? मेरी बहन को क्यों मारना चाहते हो, बोलो? तेरी बहन की वैल्यू कितनी है तुझे पता है? 50 करोड़। 50 करोड़। 10-15 लाख के लिए किसी को मार देंगे तो हमें 50 करोड़ कौन देगा? 50 करोड़ हम छोड़ दें क्या? उस रात अगर तू नहीं आया होता ना तो हम दोनों को मार देते। मगर तू वहां पर आ गया, तूने हमारा प्लान पूरा बर्बाद कर दिया। मेरी बहन को मारेगा तो 50 करोड़ कौन देगा? मेरी बहन को मारेगा तो 50 करोड़ कौन देगा तुझे? जान भी लेगा तो क्या कर लेगा तू? ऑलरेडी तेरे फ्रेंड और तेरी बहन की डेट फिक्स हो चुकी है, आज के दिन वो दोनों मरने वाले हैं। अगर बचा सकता है तो बचा ले। माँ मैं बाद में फोन करता हूँ। सुन ना। माँ मैं बाद में फोन करता हूँ ना। अरे तेरी बहन और महेश आज रजिस्टर मैरिज करने वाले हैं। रजिस्टर मैरिज? देख अगर ऐसा हुआ ना तो तू मुझे जिंदा नहीं देख पाएगा। मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हेलो सूर्या, मैं गायत्री दीदी बोल रही हूँ। हाँ दीदी बोलिए। दीदी कौशल्या ने बताया कि महेश को कुछ देर पहले बेल मिल गई है। अनु और महेश भैया रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करने वाले हैं। कौन से रजिस्ट्रार ऑफिस दीदी? द्वारका नगर। ठीक है मैं देख लूंगा दीदी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तू क्या संभालेगा, तेरी बहन की रजिस्टर मैरिज नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके पहले मेरा भाई उसे मार देगा। क्या? कोई नहीं है भाई, क्या करूं? आते ही फोन करना।
तुम्हारे भाई से नाराज होने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। तुम्हारे भाई ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। देखो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे घर वालों की मर्जी का, हम वेट करेंगे। लेफ्ट में चलो। लेफ्ट में? लेकिन लेफ्ट क्यों? द्वारका नगर। द्वारका नगर? हे लेकिन द्वारका नगर? हेलो हेलो, कहाँ तक पहुँचे तुम लोग? ऑन द वे हैं, हम 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। उसे सारी बातें बता दियो ना। अभी तक नहीं। तुम भी ना, यहाँ आने के बाद उसे पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले उसे कन्विंस करो। ठीक है मैं करती हूँ। किसने फोन किया था? शीनू। क्यों किया ऐसा? सर बोल। सर गलती हो गई सर। पूछ रहा हूँ तुझसे। बता। सर गलती हो गई सर। बता। मेरी गाड़ी को ठोका है तुमने। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सर सर गलती हो गई सर। चलाक। सर मैंने। सर प्लीज सर। चलो बोल। सर प्लीज सर। क्यों मार रहे हैं आप उसे? आपकी वजह से इतना ट्रैफिक जैम हो गया है। चलिए छोड़िए इसे। आप उसे मार क्यों रहे हैं बोलिए ना। चल तू अंदर आजा। अंदर आजा नहीं तो तेरी लवर का गला काट देंगे। चल आजा। आ रहा है, उसे किसी ने बताया? देखो तुम चुप रहो। क्या होगा? हम लोग जिस काम से आए हैं उसे नहीं पता होना चाहिए। मैं मैनेज कर लूंगा। हे महेश और अनु कहाँ हैं? महेश मुझे क्या पता उसके बारे में? अबे तुझे पता है उन दोनों की लाइफ खतरे में है। प्लीज बताओ, जल्दी बताओ। हे पता है तो बता। वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। क्या हुआ यार? हे अनु मेरा फोन नहीं उठा रही है, तू अपने फोन से एक बार फोन कर। अनु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार महेश को ट्राई कर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त बंद है। महेश का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर हाँ बोलो मोहन, ऐसा है? उसे इंक्वायरी रूम में बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। सूर्या। सर। इन सभी प्रॉब्लम की जड़ में है सांबा शिव। मैं सांबा शिव को दामोदर की वजह से जानता हूँ। उस दिन पहली बार ही मैं उसे मिला था। ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते। ये वही सांबा है जिसके बारे में बताया था? नमस्ते सर। सांबा, सर की बेटी को मेडिकल में एक सीट चाहिए, ये काम तुझे ही करना है। कर देंगे सर। उसमें एक प्रॉब्लम है, रामचंद्र कॉलेज में 37 सीट्स ही हैं मगर मेरी बेटी का 38वां रैंक आया है। उन 37 में से किसी ने अपना नाम वापस लिया तो मेरी बेटी को सीट मिल जाएगी। इसमें उन 37 लोगों के नाम हैं। सर सभी स्टूडेंट डॉक्टर बनने के बाद करोड़ों रुपए कमाएंगे, मुझे नहीं लगता नाम कोई वापस भी लेगा। दूसरा कोई रास्ता है तो देखो ना। सर आपकी बेटी को MD की सीट चाहिए ना, मैं करवाऊंगा, हो जाएगा भाई। ठीक है तुमने पेमेंट के बारे में मैं देख लूंगा सर। ठीक है सर, जा मैं चलता हूँ। ठीक है।
केवल इस लड़की को मारने से काम नहीं होगा, बल्कि यह मर्डर मेडिकल सीट के लिए नहीं किसी और वजह से हुआ है, यह प्रूफ करना है हमें। इसलिए लड़की के साथ इस लड़के को मारेंगे तो डाउट रियल एस्टेट वाले पर जाएगा। लेकिन उसका जो टारगेट था तुम्हारा फ्रेंड, उसे तुमने जेल में भिजवा दिया। बस इंक्वायरी करने वालों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो इस सीट के लिए मर्डर करने वाला है। मुझे वो मेडिकल सीट नहीं चाहिए, ऐसा बोलने के लिए मैंने दामोदर को उसके पास भेजा था। वो इतना डेंजरस है ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, अभी तू फंसेगा करके तू खुद ही आकर सरेंडर हो रहा है ना? सच बता, पैसा रहेगा तो कुछ भी कर सकते हो क्या? इंजीनियरिंग सीट्स खरीदोगे, डॉक्टर की सीट खरीदोगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई आती हो या ना आती हो, अपने प्रेस्टीज के लिए उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बना दोगे, इतना ही ना? सर, आपकी बेटी के कट ऑफ मार्क्स भी नहीं है, इसका मतलब उसमें डॉक्टर बनने की योग्यता नहीं है। सर, इतनी छोटी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है? ठीक है सर, समझिए कि आपकी बेटी डॉक्टर बन भी गई तो कल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी जान अपनी बेटी के हाथ में रख सकते हो क्या? सर, हम जैसे मिडिल क्लास लोग छोटे से पेन से लेकर बड़ा टीवी भी हम गारंटी लेकर ही खरीदते हैं सर, हमारी सोच ऐसी ही होती है। लेकिन डॉक्टर के पास जाओ तो ऐसा नहीं होता, हमारे पास जितना है सामने वाले की जान बचाने के लिए हम सारा का सारा दे देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। डॉक्टर का मतलब बिजनेस नहीं है सर, जान का मामला होता है, वो भगवान के समान होता है, उसे क्यों बिजनेस बना रहे हो सर? आप जैसे लोगों की वजह से ही अपने देश में 53% नकली डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों की वजह से ही मेरे पिताजी मर गए। इस आईडी प्रूफ से एक रूम बुक करो। ठीक है सर। बॉडी रात को 12 बजे लेके आते हैं, जी डरना मत जी। आ जाओ। चल रहे, आ जा। हाँ भाई, यहाँ सब रेडी कर दिया है, हम लोग उधर ही आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, जल्दी आओ, भाई इंतजार कर रहे हैं। उस नंबर को ट्रेस करो। सर, बालनगर का लोकेशन दिख रहा है सर। तुम लोगों को मेरी जान चाहिए ना, मैं तुम्हारे सामने, मुझे खत्म कर दो, पर इसे छोड़ दो। तेरे लिए वो नहीं बे, उसके लिए तो तू मरने वाला है। सूर्या के फ्रेंड महेश के जेल से आते ही महेश और सूर्या की बहन को किडनैप करके अपने गोदाम में फांसी लगाकर मार डालो और लाशों को सप्तगिरी लॉज में लटका दो। वहां पे क्यों? बात समझो, उन दोनों के प्यार को घर वाले नहीं माने, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। सूर्या यहाँ से चले जाओ, गो 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 गो, चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, निकलो यहाँ से अनु। हे सूर्या, जल्दी आ जल्दी आ।
भद्रा। रोक 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 रोक। इस तरफ जल्दी चलो, जल्दी 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 आओ, चलो। इस तरफ चलो। इधर इधर। हे, कहाँ चले गए वो लोग? भाग गए वो लोग भाई। ब्रदर 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 क्या है ब्रदर? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है ब्रदर? आप ही बोलो ना सिस्टर, एक बार घर में खाने के लिए बुलाया है, वो क्या गलत है? मेरी सिचुएशन तुम्हें क्या पता? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस तुम कल मेरे घर पे खाने के लिए आ रहे हो। प्रॉमिस प्रॉमिस करो। तुम रिक्शा में बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में समझाता हूं। ए चलो जल्दी ब्रदर, चलो जल्दी, भूलिएगा मत ब्रदर। तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे से आता हूं। हां ठीक है ब्रदर, भूलना मत। ये क्या कर दिया? Oh!
छोड़ मुझे, महेश मार। महेश छोड़ दे उसे, छोड़ दे यार, छोड़ दे इसे। आजा, हाथ दे। महेश कैसा है? माँ, महेश इधर है। ए, उसे इधर बुलाओ। माँ, मानता हूं कि उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी है। माँ, किसी अच्छे बात के लिए गुस्सा होना गलत बात नहीं है। माँ, माँ, अनु का पीजी खत्म होते ही वो गांव जाकर सर्विस करना चाहती है। पैसों की इच्छा ना रखने वाला ही उसकी इच्छाओं को समझ सकता है। माँ, मुझे पूरा भरोसा है। माँ, महेश अनु के साथ रहेगा तो वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे। दिन पहले मेडिकल सीट के लिए किडनैप करके हत्या करने के जुर्म में अरेस्ट किए गए ऑडिटर रामनाथ और शंबा शिव को हाई कोर्ट ने अपराधी करार दिया है और साथ रो रही है, क्या हुआ? हाँ, माँ ने मारा? वो देना। जानवी, ओ जानवी। हाँ, क्या है? देखो, अनु, महेश, उन दोनों की एक छोटी बच्ची है। आगे नंबर हमारा है। हाँ? ओम साई देवाय नमः, ओम साई गुरुवाय नमः, ओम श्री देवाय नमः, ओम सर्व देव रूपाय नमः। रोम रोमत मेरी गुड़िया, रोमत, चुप हो जाओ। पकड़ो इसे। हेलो,
हेलो हाँ बोलना कहाँ है तू अरे आज दिया का बर्थडे है ना हम सब मंदिर में आए हैं ओ ठीक है घर आने के बाद फोन करना अब क्या हुआ फिर से कोई प्रॉब्लम हुई क्या वो क्या है कि सोमवार के दिन सांबा जेल से छूट कर आ रहा है बाहर आने के बाद उसका पहला टारगेट वो तुझे ही बनाने वाला है वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि सूर्य अब भी मेरे साथ है